शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मिक फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा, समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795। कि किस अंदाज में जो है वो कांग्रेस को मजबूत किया जाए। वो क्या है, 2022 में जो चुनाव होने वाला है कांग्रेस का, उसके अंदर जो है कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़े और कार्यकर्ता जो है इस संगठन को बहुत मजबूत बनाए, जो कमजोरियां है उनको दूर करें। इसी उसके अंदर जो है एक मतलब कार्यकर्ताओं का मशवरा किया जा रहा है, विचार दिया जा रहा है कि कौन आदमी और कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो मजबूत से हर एतबार से जो है संगठन में मजबूती पैदा करे और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चले। और 2022 का चुनाव कांग्रेस जमात है, हमारा संविधान सेकुलर है, वो ना हिंदू का है ना मुसलमान का, वो तो हिंदुस्तान का है। अगर कोई पार्टी जो है हिंदू और मुसलमान की बात करती है तो मैं देश का कुछ नहीं समझता, लेकिन जनता उसको समझती जा रही है कि ये देश जो है ये विकास की तरफ उन्नति की तरफ बढ़ जाएगा। अगर हम नए मतलब की बात करेंगे तो देश की देश का नुकसान होगा। ज्यादा कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो देश का आज जिला कांग्रेस कार्यालय में समीक्षा बैठक हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव माननीय रोहित चौधरी साहब और आगरा मंडल के प्रभारी माननीय किशन मुद्गल साहब आए हुए हैं। कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं और संगठन में बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए सारे पूरी समीक्षा कर रहे हैं। पर हमें उम्मीद है कि अच्छे लोग संगठन में आएंगे और संगठन और मजबूत होगा। जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी द्वारा, माननीय प्रियंका जी द्वारा, माननीय सिंधिया जी द्वारा जो कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं उसे निश्चित रूप से काम करेंगे। ऐसा है कि झूठ का सफर लंबा नहीं होता है, अब जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। हमें जमीन पर काम करना है, लोगों से मिलना है, लोगों को उनके पूरे पुलिंदे बात बतानी है, जिससे लोग समझेंगे। निश्चित रूप से 2022 में बदलाव होगा।